नमस्ते दोस्तों, गंगा इंडियन फूड चैनल में आप सब स्वागत है। दोस्तों, आज हम गाजर हलवा बनाएंगे और चलते हैं चूल्हा के पास। किलो गाजर ले लिया है तो इसके धोई के अच्छा से, इसका जखूरा जोन रहता है हाथ से इसके उठा कर के नोच के सब, अब इसके साफ पानी से अच्छा से धो लिया है। तो देखिए गाजर भी अच्छा से सूख गया है। तब एक कद्दूकस करई वाली हम ले लिया है मशीन, कद्दूकस करे वाला, तब इसी से हम कद्दूकस कर। तो देखिए इसी तरह से हम सब कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए सब गाजर हम कद्दूकस कर लिया है, रख दिया है। और जड़ी पाचे का जड़ जोन रहता है इसके छोड़ के सब कद्दूकस कर ले। तो देखिए गाजर हम कद्दूकस कर लिया है, इधर हम चूल्हा जला लिया है। तब इसी पर हम कढ़ाई रख देते हैं चूल्हा पर। तो कढ़ाई गर्म हो गई है तो एक चम्मच हम देसी घी डाल देते हैं। यह घी गर्म हो गया है तो काजू बादाम हम काट के ले लिया है, तब डाल देते हैं। डाल के हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए काजू बादाम फ्राई हो गया है तो हम निकाल लेते हैं। थोड़ा और घी डाल देते हैं। तो घी गरम हो गया है। देखिए जो कद्दूकस करके हम गाजर धरे हैं इसके हम अब भूंज लेते हैं। कढ़ाई गरम हो गई है, घी गरम हो गया है तो डाल देते हैं। तो इसके अच्छा से हम भूंज लेते हैं। डाल देते हैं तो इसे हम सब डाल देते हैं। धीमी आंच में गाजर के भूज लेते हैं अच्छा से। इसका कलर भी बदल रहा है। इसके हम ऐसे धीरे धीरे धीमी आंच में इसके हम उलट पलट चला लेते हैं। तो देखिए गाजर के हम धीमी आंच में भूज लिया है। तो इसके हम एक थाली से तो इसके 5 मिनट बदे हम ढाँक के रख देते हैं। तो देखिए 5 मिनट हो गया है तो हम उखार के देख लेते हैं। तो देखिए कलर भी चेंज हो गया है तो इसके हम चला देते हैं। तो इसके उलट पलट चला देते हैं। इसके धीमी आंच में पकाएं हलवा के। तो इसका पानी हम अच्छा से सुखा लेते हैं। तो इसके फिर ढाक देते हैं। तो उघार के हम देख लेते हैं। तो इसके चला देते हैं। तो देखिए इसका पानी सुखा गया है, तब हम दूध डाल देते हैं। तो देखिए दूध घर का हवा है, गरम है, दूध भैंसी का दूध है। आप चाहे तो खोआ भी डाल सकते हैं। तो इसी में हम डाल देते हैं। तो देखिए दूध के हम अच्छा से चला देते हैं, अच्छा से मिला लेते हैं दूध के। तो आप चाहे तो मावा भी डाल सकते हैं और दूध भी डाल सकते हैं। तो हमारे तो घर का भैंसी का दूध है। देखिए इलायची पाउडर हम ले लिया है 1 चम्मच। तो इसके हम डाल देते हैं। इसी डाले से तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट
खाने में रहता है, तो इसके अच्छा से हम चला लेते हैं, इसके मिला लेते हैं। तो आँच के हम तेज कर देते हैं, अब तो आँच के तेज कर के अब इसके हम ढक्कन से तोप देते हैं। उघार के हम देख लेते हैं, तो इसके हम चला देते हैं। तो देखिए पानी, इसका दूध अच्छा से सूख रहा है, थोड़ा बाकी है। तो देखिए दूध अच्छा से सुखा गया है, तब हम चीनी डाल देते हैं। तो चीनी एक पाव है, तो आप चाहे तो कम बेसी कर सकते हैं। तो चीनी हम डाल देते हैं, तो अच्छा से हम मिला लेते हैं इसके, चलाइए। पानी छोड़ दिया है, तो अच्छा से हम इसके सुखा ही लेते हैं। तो देखिए सूख गया है, तो थोड़ा हम और सुखाएंगे। तो इसके इसी तरह से चला देते हैं, इसके उलट पलट के चला देते हैं जब ने अच्छा से सूख जाए। देखिए हलवा अच्छा से सूख गया है और धीमी आँच में सुखाया है। तब इसमें हम काजू बादाम कटा हुआ डाल देते हैं, जो भूज के रखे रहे। तो अच्छा से मिला लेते हैं सब। और अच्छा से हम मिला लिया है काजू बादाम सब, तो इसके हम नीचे अब उतार देते हैं, चूल्हा से नीचे उतार देते हैं, तो इसके ठंडा हो जाए तब हम निकालेंगे। गाजर हलवा तैयार हो गया है, तो एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं खाने के लिए। ये गाजर खेलुआ बन तैयार हो गया है, तो इसी तरह से बनाएंगे ठंडी के मौसम में, और खाने में बहुत स्वादिष्ट रहता है, बहुत टेस्टी रहता है। और गाजर भी बहुत आसानी से ठंडी के मौसम में मिल जाता है। तो इसी तरह से बनाएंगे। और आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब के लिए धन्यवाद।